डायरेक्टर शकुन बत्रा की फिल्म गहराइयां 11 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज होने को तैयार है। मॉडर्न रिलेशनशिप और ब्रेकअप पर आधारित इसकी कहानी में कई इंटीमेट सीन्स भी है। दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और धैर्य करवा लीड रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म की रिलीज से पहले अनन्या पांडे ने बताया कि आखिर इतने ज्यादा इंटीमेट सीन्स देखकर परिवार किस तरह रिएक्ट करने वाला है, खासकर पिता चंकी पांडे। जहां अनन्या पांडे ने अपनी एक्टिंग डेब्यू साल 2019 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से की थी। इसमें वह टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया संग नजर आई थी। अनन्या पांडे ने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली है। हालांकि खुद को बाकी के स्टार किड से कम कॉन्फिडेंट पाने वाली एक्ट्रेस अनन्या पांडे अब ह्यूमन रिलेशनशिप बेस्ड फिल्म में नजर आने वाली है। अनन्या पांडे ने कहा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे पास जो भी स्क्रिप्ट आती है वह मेरी माँ पढ़ती है, लेकिन पापा नहीं। जब भी मैं कुछ करने का निर्णय लेती हूँ तो मैं कुछ खास उन्हें नहीं बताती। वे हमेशा मेरी चीज़ों को बहुत फ्रेश तरह से देखना पसंद करते हैं। मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े चीयर लीडर हैं, मेरे क्रिटिक्स भी हैं। वे क्या सोचते हैं इस पर मैं ध्यान देना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहन रायसा इस फिल्म को पसंद करे। उसका मानना बहुत मुश्किल है क्योंकि वह एक फिल्म मेकर बनना चाहती है। हालांकि उसको ट्रेलर पसंद आया है। दीपिका पादुकोण ने भी फिल्म में काफ़ी इंटीमेट सीन्स दिए हैं। रणवीर सिंह ने ये ट्रेलर को मूडी, सेक्सी और इंटेंस बताया। साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में साफ कर दिया कि उन्हें दीपिका के इंटीमेट सीन से कोई दिक्कत नहीं है। रणवीर सिंह ने लिखा, मूडी, सेक्सी और इंटेंस डोमेस्टिक नॉय, मुझे साइन अप कर लो, मेरे सभी फेवरेट इसमें हैं। शकुन बत्रा, अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी, धैर्य करवा, नसीर द लेजेंड और मेरी बेबी गर्ल फेजिलियन बग्स की तरह दिख रही है। इन सब में सबसे सेक्सी करण जौहर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है।